तो गाइस आज मन में बड़ी उथल पुथल सी हो रही है, तो मैं मंदिर में ही बैठा हुआ हूँ अभी भी। मैं आपको बता देता हूँ व्हाई आई वाज काइंड ऑफ अ बिट अपसेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी अस्वस्थ हैं। तो गाइस कल मेरी मम्मी का जन्मदिन था, ब्लॉग डाल दिया है, प्लीज़ जाके देखिए। और आज गाइस ट्यूसडे है, बजरंगबली से मीटिंग का दिन है, तो मैं आया हूँ बजरंगबली से मिलने के लिए। बजरंगबली से मिलते हैं और भगवान जी लोग से मिलते हैं, वो इधर बैठते हैं और फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। गाइस बजरंगबली से पहले मिलते हैं और इधर देखिए गाइस मंदिर के पीछे कुछ इस तरह से है, और मैं पहले बजरंगबली से मुलाकात कर लेते हैं। तो गाइस आज मन में बड़ी उथल पुथल सी हो रही है, तो मैं मंदिर में ही बैठा हुआ हूँ अभी भी, सब भगवान जी के ऊपर ही है। क्या बताऊँ, आइए आपको भी भगवान जी से मिलाते हैं। मिलिए गाइस सबसे पहले बजरंगबली से, इनसे मीटिंग थी हमारी, आज मुलाकात हो गई है और मंगलवार का दिन है गाइस, इसीलिए आना तो ज़रूरी था। पिछले दो बार से मैं नहीं आ पाया, कुछ अनवॉइडेबल रीजन से, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज आना ज़रूरी था, इनसे मिलना ज़रूरी था, मन बहुत विचलित हो रहा था, इसलिए आना बहुत ज़रूरी था। बजरंगबली से भी मिल लिए, आइए और भगवान जी लोग से भी मिला देते हैं आपको। यहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ, माता रानी है गाइस, और यहाँ पे श्री राम जी सीता मैया हैं, यहाँ पे गणेश जी महाराज वगैरह भी हैं गाइस, और यहाँ पे श्री राधे भी हैं। तो मैं काफ़ी देर से मंदिर में हूँ गाइस, काफ़ी देर से, मेरा मन नहीं कर रहा था अभी घर जाने का, मैं काफ़ी देर से ही मंदिर में हूँ, और बजरंगबली से मिलके थोड़ा सुकून मिल रहा है, मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था, आई डोंट नो वाई, बट हाँ बजरंगबली से मिलके थोड़ा सुकून मिल रहा है गाइस। चलिए घर की ओर चलते हैं। तो गाइस मंदिर से आ गया हूँ मैं, और ये देखिए गाइस इनको आज थोड़ा डांट पिटा है, हालांकि आज स्कूल गई थी ये, और डांट क्यों पिटा कि तू इधर आओ गाइस, थोड़ा इधर आओ ना, पहले थोड़ा पास में आओ, तो इधर आओ ना, थोड़ा पास में आओ ना, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, एक मिनट जल्दी आओ, तो मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ। नहीं नहीं बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा जब मैं इसको बोल देता हूँ कि मैं इससे बात नहीं करूंगा गाइस, जो ये गलत काम करती होती है, गलत काम इन द सेंस कोई चीज इधर से उधर नहीं रखना है, कुछ भी मतलब काम ऐसा जो इसको नहीं करना चाहिए वो सब रोक देती है गाइस। और अभी देखिए इसका हालत, इसमें यहाँ स्केच लगा रखा है, ये पूरा टी शर्ट खराब कर लिया स्केच लगा, तो ये काजल से क्यों कर रही, अभी तो स्केच हाथ में लिया था आपने, इसमें काजल लगा लिया है, हाँ। और यहाँ सब में लगा लिया गाइस पूरे, अरे वो कपड़ा रेड ही है ना, अच्छा कपड़ा रेड तो है, ब्लैक भी हाँ। तो है, ब्लैक कलर का डिजाइन है गाइस। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ व्हाई आई वाज काइंड ऑफ अ बिट अपसेट, माय यू नो लाइक दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो पहले कुछ दो रोटी खा लेता हूँ गाइस, फिर बताता हूँ, बहुत कोस कस के भूख लगी है, पहले दो रोटी खा लेता हूँ। तो गाइस आज के खाने में क्रिस्पी गोभी का भुजिया है और पराठा है गाइस, तो खाते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या रीज़न था, वाई आई वाज अपसेट, सब कुछ बताऊँगा। तो गाइस मस्त खाना पीना तो हो गया मेरा, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि दिमाग में क्यों इतना उथल पुथल चल रहा था, क्यों मैं विचलित हो रहा था। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म मैंने ना कुछ सोच समझ के चालू किया, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, गलतियाँ भी कर रहा हूँ, मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ गाइस, ब्लॉग बनाना, उसको एडिट करना, उसको मतलब जब कुछ इधर आ जाए तो वॉइस ओवर करना साउंड का, और गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और इस प्लेटफॉर्म में मैं कितना आगे तक जाऊँगा गाइस, मतलब मैंने बहुत कुछ सोच लिया एक समय में, मतलब वो ना एक 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 स्ट्रेस सा बन गया था। और आज ट्यूसडे था गाइस, और मैंने सोचा कि हाँ बजरंगबली से मीटिंग का दिन है, तो इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता थोड़ा मन को शांति देने के लिए, तो मैं इसीलिए मंदिर चला गया। मैं मंदिर गया तो मंदिर में बहुत देर तक बैठा रहा गाइस, मुझे नहीं पता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ तक पहुँचूँगा, मेरा क्या फ्यूचर है इस प्लेटफॉर्म पे, बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था गाइस एक समय में, तो मतलब दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, काफ़ी देर तक मैं मंदिर में बैठा रहा। फिर आई रियलाइज कि गाइस आपका काम है मेहनत करते रहना, फल ऊपर वाले देंगे,
उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, लक उन्हीं के हाथ में है, आपका काम है बस कर्म करते रहना गाइस। तो मैं कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं बस मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छे से मेहनत करूं जिसका रिजल्ट अच्छा हो। मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स चल रहे हैं गाइस, अच्छे से चल रहे हैं, मतलब एक ब्लॉग पे तो लगभग 30,000 व्यूज आए हैं गाइस, और मतलब जो मेरे ब्लॉग हैं और भी बाकी ब्लॉग हैं, जैसे छठ वाला ब्लॉग चल रहा है, दिवाली वाला ब्लॉग चल रहा है, तो ब्लॉग चल रहे हैं मेरे। लेकिन गाइस बाकी और ब्लॉग्स उतने व्यूज़ नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं मेहनत करना बंद नहीं करूँगा, मेहनत ज़रूर करूँगा, मैं इसको जारी रखूँगा। मैंने ये डिसीजन लिया है तो इस पर मैं स्टैंड लेता हूँ और मैं इस पर खड़ा रहूँगा गाइस, मैं पीछे नहीं हटूँगा। किस्मत कहाँ पहुँचाएगी मुझे, आई डोंट नो कम्प्लीटली, बट मेरा काम है मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला देगा। और बजरंगबली से मेरी मीटिंग हो गई है गाइस, मन को थोड़ा शांति मिल रहा है, बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा है। और गाइस बच्चे बाहर में बहुत शैतानी कर रहे हैं, आवाज़ आपको आ रहा होगा। तो विथ दिस नोट आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करता हूँ गाइस, आशा करता हूँ कि हाँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, अगर मैं बाहर आता हूँ, प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ गाइस, मौका देके नहीं। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइस।